सम्मान्य शिक्षक साथियों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक नए अपडेट के साथ सीएम राइस विद्यालयों में प्राचार्यों के पद स्थापना के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए, अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। आइए हम सीएम राइस के संबंध में विस्तार से जानेंगे। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सीएम राइस स्कूलों के लिए प्राचार्य की नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लंबे समय से प्राचार्यों की पदस्थापना को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन कल देर शाम विभाग द्वारा प्रथम चरण में चयनित स्कूलों के प्राचार्यों की पदस्थापना के लिए आदेश जारी किए गए हैं। सीएम राइस स्कूलों में हुई पोस्टिंग। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा महत्वाकांक्षी योजना सीएम राइस स्कूल के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रचार हाई स्कूल हायर सेकेंडरी से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सीएम राइस स्कूल योजना अंतर्गत प्रथम चरण में कुल 375 स्कूलों का चयन किया गया है, जिनके लिए प्राचार्य तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ की पदस्थापना होना है। फिलहाल स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रथम चरण की अच्छी अधोसंरचना वाले ऐसे स्कूल जिनको इसी सत्र से पूर्व से संचालित स्कूल बिल्डिंग में रंगाई पुताई का प्रारंभ किया जाना है, ऐसे कुल 52 स्कूलों का चयन किया जाकर उन्हें प्राथमिकता के तौर पर प्रारंभ किया जाएगा। विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप प्रथम चरण की चाहिए समस्त 375 स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2022-23 से शुरू किया जा रहा है। इसके लिए हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सीएम राइस योजना अंतर्गत चयनित स्कूलों के स्टाफ तथा स्कूल को निर्वाचन तथा अन्य कार्य से मुक्त रखने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सीएम राइस प्रिंसिपल पोस्टिंग आर्डर। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कल देर शाम सीएम राइस स्कूलों के लिए चयनित प्राचार्य की पदस्थापना आदेश जारी किए गए हैं। आइए साथियों, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा प्राचार्यों के आदेश किए गए हैं, उनकी सूची का भी अवलोकन कर लेंगे। भोपाल दिनांक 24/5/2022 को हुए आदेश में क्रमांक F01/22/2021/20/1/804 राज्य शासन एदत द्वारा सीएम राइस योजना अंतर्गत संचालित विद्यालय हेतु चयनित प्राचार्यों को समान समर्थ में कालम क्रमांक 4 में दर्शाई गई सीएम राइस संस्थाओं में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक निम्न अनुसार पदस्थ करता है। सरल क्रमांक देखिए, प्राचार्य का नाम एवं यूनिक आईडी इसमें दी हुई है, वर्तमान पद स्थापना है इसमें और नवीन पद स्थापना। तो जैसे कि हम देखेंगे साथियों, नंबर एक में किशोर सिंह जैन प्रिंसिपल हाई स्कूल, यूनिक आईडी दी हुई है और वर्तमान पद स्थापना इनकी गवर्नमेंट हाई स्कूल नोरबन नीमच, जिसका डाइस कोड दिया हुआ है। नवीन पद स्थापना इनकी हुई है गवर्नमेंट हाई स्कूल गर्ल्स नीमच में हुई है। सेकंड नंबर में देखेंगे डॉक्टर साधना हिंद प्रिंसिपल जो है, इनका भी ट्रांसफ़र हुआ है। और इसी प्रकार से पूरी सूची हम देख सकेंगे इस पत्र के माध्यम से, पूरी सूची का अवलोकन कर सकेंगे। सारे प्रिंसिपलों का जो है नवीन पद स्थापना हुई है, हम क्रम से देख पाएंगे, सभी की सूची आप भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से जितने भी प्रिंसिपल है उनका जो है सीएम राइस में चयन हुआ था, उनकी पद स्थापना हो चुकी है और जो अमले रह गए हैं अभी, उनकी भी पदस्थापना के लिए आदेश
प्रसारित होने वाले हैं उनका भी हम इस चैनल पे जब भी पदस्थापना होगी उनकी भी सूची का हम वीडियो आपके तक पहुंचाएंगे और इसी प्रकार जो है सूची को आप देख सकेंगे कि सीएम राइस स्कूलों में होने लगी है पोस्टिंग, सभी की सूची आप देख सकेंगे इस प्रकार से। तो साथियों इसी प्रकार आप इसी चैनल पर बने रहें। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेश अनुसार जो है उप सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग प्रमोद सिंह जी के द्वारा भोपाल दिनांक 24/5/2022 को यह पदस्थापना आदेश जारी किए गए हैं, जिसका प्रष्टांकन क्रमांक F01/2022/20/1/807 सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन भोपाल की ओर, नंबर 2 निजी सचिव माननीय राज्य मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश की ओर, नंबर 3 में आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल मध्य प्रदेश, नंबर 4 में समस्त संबंधित कलेक्टर मध्य प्रदेश, नंबर 5 में संबंधित संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग मध्य प्रदेश, नंबर 6 में है संबंधित कोषालय अधिकारी मध्य प्रदेश, नंबर 7 में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, नंबर 8 में संबंधित प्रचार की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, और नंबर 9 में आर्डर बुक। तो इस प्रकार का है आदेश उप सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल। तो इसी प्रकार के और नए नए अपडेट पाने के लिए चौहान एजुकेशन में बने रहें। धन्यवाद।